जाओ, मुक्त हो जाओ। मनु जी से कहा कि तुमने जो साधना की है उसमें तीनों चीजें हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग से आपने मनु स्मृति लिखी है, कर्म योग से आपने राज्य चलाया है और भक्ति योग से आपने अभी अकाट्य उपासना की। ये तुम्हारी साधना की सीढ़ी के पांवदान बन गए। अब आप इसी पर चढ़कर के मेरे पास आ जाओ तो मुक्त हो जाओगे। महाराज मनु ने कहा कि महाराज सीढ़ी से दो काम होते हैं, सीढ़ी से चढ़ा भी जाता है और उतरा भी जाता है। और यदि सीढ़ी को आप मजबूत समझते हो और ये सीढ़ी आपके लोक तक जाती है तो महाराज आप अकेले हो और आपको दर्शन करने के लिए अभागे जीव बहुत है। एक सीढ़ी पर सारे लोग चल चढ़ करके कैसे आप तक पहुंचेंगे? इसलिए मेरी तो इच्छा ये है कि सीधी सीढ़ी से चढ़ा भी जाता है, सीढ़ी से उतरा भी जाता है, तो क्यों ना प्रभु जी आप एक काम करो ना, इस सीढ़ी को आप अपनी सीढ़ी मान करके आप ही ऊपर से नीचे उतर आओ तो नीचे के सारे लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा, तो आप उतर भी तो सकते हो। मैं अपनी साधना से केवल अपनी मुक्ति करूंगा, तुम्हें स्वार्थी कहलाऊंगा, अगर इस मेरी साधना से भगवान धरती पर सगुण साकार बन करके आ जाए तो सारे लोगों को आप मिल जाएंगे, शबरी को भी, केवट को भी, भिलनी को भी, सारे लोगों को आपकी प्राप्ति हो जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये भगवान का भगत प्रेमवश सगुण सो होई, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण होते हैं, ये भगवान की कथा हुई। और आप कल प्रार्थना सुन रहे थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये भारत वर्ष की नारी की सामर्थ्य है कि वह भगवान से कहती है कि ये आप किस रूप में आ गया। तो तुमने कहा था मैं तुम्हारे सामने आ गया, कहा क्यों महाराज, हमने कहा था कि आप मनुष्य रूप में आना, तो बोले मनुष्य ही तो हूँ। बोले मनुष्य की चार हाथ कहाँ होते, निज आयुध भुजचारी, मनुष्य के चार हाथ थोड़ी होते जो आप चार हाथ लेकर के आ गए। एक हाथ में तो चार उंगलियां अच्छी लगती हैं, अगर एक एक और निकला है तो चंगा नाम रख देते हैं लोग। इसलिए महाराज चंगा नाम आपका हो जाएगा, फिर राम नाम कहां रहेगा। इसलिए महाराज वो तो दो ही हाथ ठीक है। अब ठाकुर जी ने कहा चलो दो हाथ का बन जाता हूं, राम जी दो हाथ के बन गए, कहा अब तो ठीक है ना। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन महाराज बच्चा जब जन्म होता है तो तुम्हारी तरह थोड़ी होता है, इतना बड़े खड़े हो। तो बोले फिर क्या करें, बोले आप छोटे हो जाओ। शुभ ठाकुर जी जरा छोटे हो गए 20-25 वर्ष के, बोले अब ठीक है। बोले कर 25 वर्ष का बालक थोड़ी पैदा होता है। बोले तब बोले और छोटे हो जाओ। तो ठाकुर जी 5 वर्ष के हो गए, कहा अब ठीक है। कहा नहीं 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 ऐसे थोड़ी। बोले तब 1 वर्ष के हो गए। बोले 1 वर्ष के भी अगर आप बनोगे तो लोग कहेंगे बाहर से उठा लाए मुड़ा। कीजे शिशुलीला, आप एकदम छोटे हो जाओ। भारत वर्ष की नारी परमात्मा को छोटा बनाने की शिक्षा देती है और भगवान बड़े प्यारे से दुलारे से राजकुमार छोटे से लल्ला बनकर के आ गया। कहा अब ठीक है? कहा नहीं अभी भी ठीक नहीं है। बोले अब तो मैं अभी तत्काल जैसा हो गया। बोले नहीं नहीं, दुनिया के घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका रोना सुनती है माता। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुखी परम है अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भय बाल के सुजाना। और फिर क्या लगते हैं, कहते रोने लगे। वो नहीं रोने नहीं लगे, रोदन ठाना, ठान करके राम जी रोए।
बोले ये ठान कर के मतलब क्या होता है? कहते हैं मैंने आज प्रतिज्ञा, ये मैंने ठान लिया है। ठानना मानी प्रतिज्ञा करना। तो राम जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? कहा राम जी रो रहे हैं और रो करके दुनिया के भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आज से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, आज से आप लोगों का रोना बंद, क्योंकि आप लोगों को रोने के लिए मैं धरती पर आ गया हूँ। इसलिए आज के बाद में मैं किसी भी भक्त को, संत को रोने नहीं दूंगा, मैं खुद उनके लिए रोऊंगा। इसलिए भगवान श्री राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि निश्चय ही न करूं मही और भोज उठाए प्रण की। राम जी का अवतार हो गया और चारों तरफ बधाइयां बज रही हैं। अत्यंत आनंद से कल आप सुन रहे थे, थोड़ी सी सुना देते हैं। नन्हनी घर बाजे आज बधैया ललनी घर बाजे आवत बधैया ललनी घर बाजे आवत बधैया ललनी घर बाजे आवत बधैया आवत बधैया बधैया अवध बधैया अवध बधैया ललने घरे बाजे अवध बधैया सिंह मढ़ैया ललने घरे बाजे
अवध बधैया वातावरण अच्छा गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गान गाए और समस्त देवता विभिन्न विभिन्न रूपों में अयोध्या की ओर दौड़ पड़े। हमारे
दशरथ जी महाराज के यहाँ पर राज में 12 बजे राम जी का प्रकट हुआ। एक दासी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज आनंद हुआ है। अरे बोले क्या हुआ? बोले महाराज परमानंद हुआ है। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? बोले आपके घर सच्चिदानंद